सलीमा, आपने पहला गोल करके जो भारत को लीड दिलाई, उसके बाद आपको लग रहा था कि वो काफ़ी होगा? हाँ, जैसे बिल्कुल, जैसे फर्स्ट गोल किया उसके बाद हमने ऊपर चढ़ी हुई थी उनके ऊपर, तो हमें और नेक्स्ट गोल के लिए जाना था। जैसे हम गए थे, बहुत सारे प्लेंटी कॉर्नर भी मिला, पर प्लेंटी कॉर्नर हमने सक्सेस नहीं हुआ, पर हमने बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा एज अ टीम फाइट किया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा गोल जब उन्होंने कर दिया तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? डर लग रहा था कि कहीं यू नो ब्रॉन्ज मेडल हाथ से निकल ना जाए? डर तो लग रहा था, पर हम ट्रस्ट करते हैं टीम पे। जैसे सभी दी हैं अच्छी गोल कीपर, शूट आउट में अच्छे ले सकते हैं, तो बस हम ट्रस्ट किए थे कि सभी दी लेंगे, तो हमारा पक्का यही था कि हम सभी दी पे ट्रस्ट करते हैं, तो हमारा पक्का ब्रॉन्ज मेडल है। सलीमा, आप झारखंड से आती हैं, इतने छोटे से गांव से आकर के इतने बड़े लेवल पे आपने भारत के लिए जो गोल किया वो बहुत ही डिसाइसिव गोल था, क्या फीलिंग हो रही है? जैसे गांव में तो रहते ही हैं, तो यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा चांस मिलता है। जैसे हम अच्छा खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा मोटिवेट भी होते हैं, तो बस यही है कि हमें खेलना है। घर में कौन कौन है आपके? वैसे तो मामी पापा सबके घर में ही है। तो अभी बात होगी उनसे? हाँ बिल्कुल होगी। हाँ, देख रहे होंगे। क्या वो कह रहे थे मैच से पहले? बात भी थी बस यही था कि मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट करना, जैसे हमारी टीम बहुत अच्छी है तो तुम अच्छा खेलते हो, बस स्कोर करना है, बस यही। अच्छा, और अब इसके बाद? बस इसके बाद अभी इंडिया जाना है, फिर बस एंजॉय करना है।